ये थाना सगीर का प्रकरण है। एक प्रकरण में एक परिवार द्वारा गुमशुदगी लिखाई गई थी माह मई में, इसी वर्ष के माह मई में। लड़की अप्रैल से गुमशुदा है। इस संदर्भ में एक डेड बॉडी फिरोजा डेका थाने में बरामद हुई थी, एक युवती की, जिसकी गला काटकर हत्या की गई थी। जुलाई में बरामद हुई थी, 22 जुलाई को। तो इन्होंने, इसके लड़की के परिजनों ने उसकी पहचान की थी कि ये वही लड़की है, शिवानी नाम है जिसका, ये वही लड़की है जो जिसका अपहरण हुआ था, वो मारी गई है। इन्होंने 5 लोगों के खिलाफ अभी वो पंजीकृत किया था, 302 का, 364 दूसरे का, IPC का, जिसका लड़की का एक लड़के से परिचय था दीपक, जो यहाँ हमारे यहाँ रिजोर थाने का रहने वाले हैं, उनके पे और उनके परिजनों पर अभी वो पंजीकृत किया गया था, 302 का, जिसमें पुलिस विवेचना कर रही थी। सूचनाएं मिल रही थी कि लड़की और वो लड़का दीपक दोनों जीवित हैं, उनको कहीं पंजाब में रहने की सूचना थी, पुलिस ट्रेस कर रही थी। ये जब आए थे अपने परिजनों से मिलने के लिए, तो पुलिस द्वारा इनकी बरामदगी की गई है और सभी न्यायालय कार्रवाई की जा रही है, जो वैधानिक कार्रवाई होगी आगे। क्या पुलिस की घोर लापरवाही भी है, सबको बरामद कर लिया जाता है, उसके बाद में आज फिर जिंदा बरामद किया गया है इनको, वो सब आखिर किसका था? पुलिस की लापरवाही नहीं है? एक मिनट, प्रश्न एक पूछिए, पुलिस की लापरवाही नहीं है जी? बरामद की कहां से हुई है? कौन से जवाब दूं मैं यार? पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है इसमें, कि वो सब आखिर किसका था? वो शौक इसका था, वो बेचना का विषय है। फिरोजाबाद में एका थाने की घटना थी वो, क्योंकि पहचान इन्होंने की थी, इसके परिजनों ने, मृतका के शिवानी के परिजनों ने उसके मृतका के रूप में पहचान की थी, इसलिए वो विवेचना ट्रांसफर होकर इस जनपद में आई थी। आगे की विवेचना जनपद फिरोजाबाद से निश्चित की जाएगी, इसमें जो क्लू है हम उनको अवगत कराएंगे, वो विवेचना करके निस्तारण किया जाएगा कि वो मृतका का शौक किसका था और उसमें आरोपी कहां से बरामद किया। आरोप लगाया गया था, जाँच कर रही थी, इन सारे आरोपों पर जाँच किया जा रहा था, सारे आरोपों पर जाँच करने के बाद ही परिणाम था। प्रोसीजर है, ये वैधानिक कार्रवाई है, हम उन्हें आदेश दिए। टिंडा जिले में इनका रहना बताया गया था, बाकी इनके सर्विलांस पे था, हम लोग इसकी सर्विलांस कर रहे थे, बरामद की इनकी की गई। ये पालिक है, इसका सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है और इन्होंने मैरिज कर लिया, ये भी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है, फिर भी हमारे यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत कराया जा रहा है। 364 के बयान के उपरांत डिसीजन लिया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा। क्या लड़का लड़की को सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है आपकी तरफ से? यस, अभी जब तक हमारे पास है, हम इनको सुरक्षित रखे हुए हैं, न्यायालय द्वारा डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई शुरू की जाएगी। क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। राजकुमार जी, आप लड़के के पिता हैं, किस तरीके से लड़की को और इनको दोनों को बरामद किया गया पुलिस ने? लड़के का फोन आया था जी, बठिंडा से, जो पंजाब में है, तो फोन के आधार पर हमारे साडू NM सिंह उन्हीं के पे आया था और वो गए थे और उनको पुलिस के कप्तान साहब की बाम नॉलेज में डाली और कप्तान साहब ने टीम गठित करके और उनको गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। ये 8 माह पहले इस लड़की की मतलब अंतिम संस्कार कर दिया गया, उनके परिजनों ने इस बात की पहचान की कि हमारी बेटी का शव है ये। क्या मानते हैं वो, क्यों किया ऐसा, क्यों किया? वो इसलिए किया गया कि हम लोगों को झूठा फंसाने के लिए, कि ये लोग फंस जाएंगे और हमारा जो हम बच जाएंगे। तो कहाँ से बरामद किया आया लड़की को? और ये बरामदगी की है बठिंडा से, पंजाब से जी। तो पुलिस ने क्या आपने बताया जा रहा खर्चा, आपने आपके खर्चे पर पुलिस गई थी यहाँ से? हाँ, खर्चा तो जो है, जो हमारे साथ नेम सिंह गए हैं और जो सतीश प्रताप सिंह, इनने ही किया है। अब न मालूम कितना किया है, ये नहीं कह सकते। कितना रुपया खर्च हुआ अभी तक? अब लगभग बताते हैं 17-18 हज़ार रुपया जो है आने जाने में ख़त्म हो गया। तो जिस गाड़ी में बरामद करके लाए थे वो गाड़ी सब आप लोग ही लेके गए थे ना? हाँ, आप ही लोग लेके गए थे। थाना रिजोर्ट, आप ही लोग लेकर के गए थे वो गाड़ी जी। खर्चा पुलिस वालों का, खाना पीना भी आप लोगों ने करा? हाँ, खाना पीना अब जिन लोगों ने किया है, जो सतीश, हमारे भाई गए सतीश प्रताप सिंह और जो नेम सिंह गए।